प्लॉट मिला है तो आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के अंदर इस पे या तो बना लीजिए या कंप्लीशन। 6%, 4%, 7% ये क्या मतलब होता है इन प्लॉटों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशम शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फैमिली हेल्पर में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं किसी सेक्टर की आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाने वाला हूं कि इंडिपेंडेंट हाउस या कोई प्लॉट के बारे में आपको जानकारी नहीं देने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं उन लोगों को जो मेरे से पूछ रहे थे किसान कोटा प्लॉट आखिर होते क्या है और ये 6%, 4%, 7% ये क्या मतलब होता है इन प्लॉटों का, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो को हम शुरू करें और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लाल सा बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाओ, दबा दो, पहले दवाई लो से फिर स्टार्ट करेंगे आगे। और वो बेल आइकन होगा नीचे, उसको जरूर दबा देना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, पैसे नहीं लगते उसके। तो चलते हैं आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिर किसान कोटा प्लॉट आखिर होते क्या है। तो किसान कोटा की प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो किसान कोटा प्लॉट, जैसे अगर हम आप बात करते हैं आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जितना भी पूरा अगर आप ये एरिया देखेंगे तो ये सारा के सारा आपका किसान की जमीन पे ही बना हुआ है। अथॉरिटी क्या करती है, अथॉरिटी किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए किसान से उसकी जमीन को एक्वायर कर लेती है और एक्वायर करने के बाद जो भी उसका पैसा होता है, मतलब उसको एक मुआवजे के रूप में उसको रिटर्न देती है। मतलब जमीन के साथ साथ पैसा तो किसान को दिया जाता है, उसके अलावा अथॉरिटी क्या करती है, जो भी किसान होते हैं उसका क्या होता है, किसान से किसान की अगर जमीन ले ली तो उसका पूरा रोजगार छिन जाता है। तो अथॉरिटी पैसा देने के बदले साथ के साथ किसान को उसके जो भी जमीन होती है उसका एक परसेंटेज तय करती है, वो डिपेंड करता है अथॉरिटी पे। तो जैसे मान लीजिए अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो 6% हिस्सा देती है, नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो वो 4-5% हिस्सा देती है और यमुना अथॉरिटी की हम बात करें तो वो 7% हिस्सा किसान को देती है। अब ये तय करता है किसान की कितनी जमीन थी। मान लीजिए अगर हम एक किसान से अगर 1000 का जमीन ली है तो अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ली है तो क्या करेगी अथॉरिटी, 1000 का उसका पैसा तो दे दिया, उसके 6% उसको जमीन भी वापस करेगी जिससे वो एक अपना रोजगार या रहने के लिए अपना घर बना सके। अब 6% जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए अगर हम 6% किसान को जो प्लॉट मिला है उसके अंदर किसान 50% तक अपना कमर्शियल यूज कर सकता है, उसके अंदर अपना दुकान भी खोल सकता है, उसका कोई भी रोजगार, होटल, कुछ भी उसके अंदर आप बना के अपना कमर्शियल यूज कर सकता है। अब ये चीजें आपको जनरल प्लॉट में नहीं मिलती, जनरल प्लॉट में सिर्फ आपको रेजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। और आती है जनरल प्लॉट में और किसान कोटा में क्या अंतर होता है। अगर मैं जनरल प्लॉट की बात करूं तो जनरल प्लॉट के अंदर जैसे आप देखेंगे आपको पार्क, बिजली, पानी, जितनी भी बेसिक सुविधा होती है वो तो आपको जनरल प्लॉट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो सेम चीज आपको जो 6% जो किसान कोटा प्लॉट होते हैं उसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए अगर जनरल प्लॉट के अंदर आपको ग्रीन बेल्ट देखने को नहीं मिलेगी तो 6% जो किसान कोटा होता है उसके अंदर कहीं कहीं आपको किसी सेक्टर के अंदर आपको पार्क देखने को नहीं मिलेगा। जनरल प्लॉट के अगर मैं बात करूं, जनरल प्लॉट में आपको पार्क ज्यादा मिलेंगे पर किसान कोटा जो प्लॉट होते हैं उसमें आपको पार्क कम मिलेंगे। बट पार्क की कमी आपको पूरी मतलब कभी आपको इसलिए नहीं खलती क्योंकि 6% जो किसान कोटा जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर आपको ग्रीन बेल्ट जरूर दी जाती है क्योंकि अथॉरिटी ये नहीं करती कि मतलब अगर किसान को जनरल प्लॉट है तो उसी के अंदर आपको ये सुविधा दी जाएगी, हरियाली की सुविधा उसी के अंदर दी जाएगी। तो आपको ग्रीन बेल्ट के रूप में आपको हरियाली आपको वहां मिल जाती है। दूसरी मैं बात करूं, जैसे जनरल प्लॉट के अंदर आपका लोन हो जाता है किसी भी सरकारी बैंक से, सेम आप किसान कोटा प्लॉट के अंदर भी आप किसी भी सरकारी बैंक से 70% तक आप लोन ले सकते हैं। बात आती है क्या ये किसान कोटा जो प्लॉट होते हैं इसे लेना लीगल होता है या नहीं होता। मैं बात आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, किसान इसका मालिक है वो उस बोर्ड पे डिपेंड करता है, वो क्या करता है अगर उनके पास वो बैंक सक्षम है तो किसान कोटा वाले प्लॉट को वो सेल कर देता है, मतलब उसको अगर जरूरत नहीं है तो वो सेल कर देता है। तो ये किसान की मर्जी होती है, किसान उसे सेल करे या रखे या ना रखे, तो ये बिल्कुल एक लीगल प्रॉपर्टी होती है, इसको लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसे मान लीजिए जनरल जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 3 साल का अथॉरिटी टाइम देती है उस पर या तो कंप्लीशन कराए या उसको बनाए। तो सेम रूल आपका जो किसान कोटा प्लॉट होते हैं उस पर भी
निर्धारित होता है, मतलब उसमें भी यही रूल सेट होता है कि अगर आपने आपको प्लॉट मिला है तो आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के अंदर इस पे या तो बना लीजिए या कंप्लीशन करा लीजिए। तो दोस्तों ये है किसान कोटा की जानकारी, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी, और कोई अगर जानकारी रह जाती है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताने मतलब एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।